क्या आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड पार्टी है? क्या इसके कैंडिडेट्स ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने नामांकन पत्र भरे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या पार्टी को भाजपा या कांग्रेस की तरह पार्टी फंड से खर्चा करने की छूट होगी? ये कुछ सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने इन सभी सवालों को उठाते हुए कहा है कि एक नई राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी शहर में होर्डिंग्स पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। चावला के अनुसार ये न सिर्फ नैतिक आधार से सवालों के घेरे में है, बल्कि चुनाव आयोग की आचार संहिता के भी खिलाफ है। चावला के मुताबिक उनकी पार्टी इस पूरे मामले में कानून के माहिरों से मशवरा कर रही है और जल्दी ही आयोग के सामने आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। चावला साहब, इस बार क्या है कि पहली बार आम आदमी पार्टी इलेक्शन मैदान में उतरी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि उससे जो है कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, ना तो कांग्रेस को कोई फायदा है ना कोई हमें नुकसान का डर है। एक चीज़ का हमें डर लग रहा है, वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये नगर निगम चुनाव है और बिल्कुल ये स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़े जाते हैं और एक काउंसलर को 5 लाख रुपए इस चुनाव में खर्च करने की इजाज़त है जी। और हमेशा सारी पॉलिटिकल पार्टियों की जो पीछे 5 चुनाव हुए हैं जी, तो इस लिमिट के अंदर रह के ही पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि नगर निगम का चुनाव कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा इसमें जाके कोई बहुत बड़े बेनिफिट्स मिलने आगे जाके जी, या बहुत बड़ी सैलरी मिलनी है जी। आम आदमी पार्टी जो कर रही है, अभी पता लगा है कि पूरे चंडीगढ़ के जितनी भी टॉयलेट्स ब्लॉक हैं वो उन्होंने बुक करा ली। मुझे जहाँ तक मुझे काउंसलर रहने का मुझे थोड़ा तजर्बा है, ये एक एक टॉयलेट के ऊपर लाखों रुपया चार्जेस होते हैं जी, तो मुझे नहीं लगता कि ये करोड़ों से कम होगी जी। अगर वो करोड़ों रुपया सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे टॉयलेट पे खर्च कर रही हैं और 2 महीने से लगातार जो उनके लोग थे वो ऐसे बड़े बड़े पोस्टर निकाल रहे हैं, उनके मुकाबले में तो मैं समझता हूँ बीजेपी जैसी अमीर पार्टी भी पीछे चल रही है। हम कहते थे कि बीजेपी बहुत अमीर पार्टी है, तो मैं सिर्फ सवाल ये है मेरा केजरीवाल जी या यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है कि आप क्या पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं? नहीं, इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट और जो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इलेक्शन से, आपको नहीं लगता इनकी भी वायलेशन इससे होगी? ये तो सरासर मैं जब कह रहा हूँ कि जब मान लीजिए एक असूल ये भी एक लॉ है कि जितने भी कोई पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है जी, उनके सब कैंडिडेट ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाते भरा है, 10-10 प्रपोजल दिए जी, उस हिसाब से तो कोई भी खर्चा कोई और भी करे, चाय पानी का खर्चा भी कोई करे, तो वो कैंडिडेट के खाते में जाता है जी। नेशनल पार्टियों को सिर्फ एक बात की लिबर्टी है कि वो जो 10 प्रचारक उनके स्टार प्रचारक आएंगे उनका खर्चा पार्टी कर सकती है जी, बाकी सारे खर्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके डिवाइड होके काउंसलर के खाते में जाते हैं। अगर ये बात सही है तो आम आदमी पार्टी के कोई भी काउंसलर आगे 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। अगर 35 में हम उसको डिवाइड कर दें तो 1,50,00,000 रुपये के करीब ये पैसा बनता है, और इससे ज़्यादा तो आम आदमी पार्टी ऑलरेडी खर्च कर चुकी है। तो ये आप एतराज़ करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास? हम अपने कानूनी जो सलाहकार हैं उनसे हम सलाह कर रहे हैं कि क्या इसके ऊपर हमें एतराज़ डालना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे एतराज़ डालने से ज़्यादा जनता को एतराज़ करना चाहिए इसकी, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। अगर आप पैसे के दम पे वोटर खरीदना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट करके, और वो पार्टी कर रही है जो अपने आप को द पार्टी विद द डिफरेंस कहते थे, हम एक नए आयाम पैदा करेंगे। केजरीवाल जैसा इंसान जो सिर्फ अपने आप को टूटी हुई चप्पल पहनता और गले में मफलर डाल के कहता कि मैं तो आम आदमी पार्टी हूँ, तो ये आम आदमी पार्टी है कि आप अभी तो चुनाव का पहला दिन भी नहीं शुरू हुआ और आपने करोड़ों रुपये खर्च कर दिए। ये करोड़ रुपया दे कौन रहा है, किन से ले रहे हो आप? लोग कह रहे हैं कि जितने भी बिल्डर्स हैं दिल्ली के वो चंडीगढ़ में आके बैठ गए हैं, थैलियाँ साथ लेके आए हैं कि जितना मर्जी पैसा हो। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग का कहना है कि आम आदमी पार्टी एक मान्यता प्राप्त पार्टी है और इसे वो सब अधिकार प्राप्त रहेंगे जो अन्य मान्यता प्राप्त दलों को मिलते हैं। गर्ग ने कहा कि उनकी पार्टी ठोस रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता इस तरह से मनगढ़ंत मुद्दे सामने ला रहे हैं। अगर साहब, आज स्क्रूटनी हो गई है तो क्या स्थिति है, आपके सभी कैंडिडेट्स क्लियर हो गए हैं? हाँ, सभी क्लियर हो गए हैं अभी तक तो, जो रिपोर्टें मिली हैं एक दो रहते हैं वो भी होगी। तो अब
आपके स्तर पर क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है? हमारा मेन जो फोकस है वो वार्ड वाइज डोर टू डोर कैंपेन पे ज्यादा है, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं हर घर में जाने की कोशिश करें। पर्सनली हमने इंस्ट्रक्शन दिए कि हर घर में कम से कम दो दो बार आप जाकर आओ जी। तो मेनली तो यही है कि डोर टू डोर पे हमारा फोकस ज्यादा है। बाकी जो सेंट्रल लेवल पे पार्टी कोई कैंपेन करेगी, जैसे भगवंत मान जी आएंगे या हमारे एनडी गुप्ता जी राज्यसभा सांसद है, संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद हैं जी, ये राजेंद्र गौतम जी हैं हमारे मंत्री हैं दिल्ली में, अच्छा। तो ऐसे लोग अभी आएंगे। तो अभी कोई शेड्यूल तैयार हुआ है कि कौन कौन से आपके स्टार कैंपेनर्स आने वाले हैं? बुकिंग वगैरह चल रही है, तो आज या कल में सारा फाइनल हो जाएगा। अच्छा, एक गर्ग साहब क्या है कि आपके जो दोनों अपोनेंट पार्टीज हैं, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, वो उनका इस वक्त कैंपेन ये चल रहा है, वो कह रहे हैं कि भी आम आदमी पार्टी जो कि पार्टी विद अ डिफरेंस के तौर पर आई थी और एंटी करप्शन जो है प्लैंक के ऊपर आई थी, वो सबसे ज़्यादा खर्चा इस वक्त इलेक्शन में कर रही है, खासतौर पर जिस तरह से होर्डिंग्स दिए गए हैं, उन होर्डिंग्स पे करोड़ों रुपए पार्टी ने खर्च किए हैं, इस पर आपकी क्या? अगर करोड़ों रुपए होर्डिंग पे लग रहे हैं तो पहले तो बीजेपी ये जवाब दे कि उनका जो ठेका उन्होंने दिया हुआ है एजेंसी को वो कितने में दिया हुआ है, उन होर्डिंग का ठेका जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो कितने में दिया हुआ है। अगर करोड़ों रुपए एक 15 दिन के या महीने की होर्डिंग पे लग रहे हैं तो इसका मतलब एमसी को कितनी इनकम होनी चाहिए, पहले तो वो उसका जवाब दे जी। और दूसरा उनका ये कहना है कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, तो इनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, तो इनको जो पार्टी को जो बेनिफिट मिलता है खर्चे का वो इनको नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 लाख का खर्चा जो है वो सिर्फ जो काउंसलर को अलाउड है वो दिया जाता है। या तो इनको जो भी आपको कह रहे हैं लोग, या तो उनको रूल एंड रेगुलेशन पता नहीं है, या हवा में बातें करते रहते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना खर्चा जो है कैंडिडेट का खर्चे की लिमिट 5 लाख होती है, लेकिन पार्टी जो सेंट्रल लेवल पे कोई भी खर्चे करते हैं उसकी मेरे ख्याल से कोई लिमिट नहीं होती। नहीं तो क्या ये बात इसमें कुछ सच्चाई है कि पार्टी जो है चंडीगढ़ स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ की? नहीं, कोई भी हमारे चंडीगढ़ में कोई भी पार्टी जो है स्टेट पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक, सिर्फ नेशनल पार्टीज है या उसके बाद दूसरी स्टेट में। चंडीगढ़ में कोई भी पार्टी एज ए स्टेट पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन हाँ रेकोगनाइज जो पार्टीज है जो किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है उनको उनका सिंबल रिजर्व होता है हमेशा, और उनको नेक्स्ट जो स्टेज होती है हायरार्की में वो मिलती है। तो अकाली दल है जी, या आम आदमी पार्टी है या दूसरी समाजवादी पार्टी है, कोई भी जो पार्टियां होंगी उनको अल्फाबेटिकली जो है वो मिलेगा। तो आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे आपका जो ऑफिशियल सिंबल है उसी पे लड़ेंगे? सारे कैंडिडेट्स ब्रूम के ही लड़ेंगे, झाड़ू के सिंबल पे लड़ेंगे जी। ओके सर, थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।